मेवात जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में कोरोना जेल से फरार कैदियों की घटना के बाद नूह उपायुक्त धीरेंद्र खटगटा ने आज सोमवार को पेनगवा की आईटीआई में स्थित कोरोना सेंटर व पीएससी का दौरा किया और स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षाओं को लेकर प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया है। पेनगवा आईटीआई में करीब इस समय 2 कोरोना संक्रमित मरीज स्थित हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से आईटीआई के अंदर ज़्यादा चौकसी बढ़ाई गई है ताकि सभी कोरोना संक्रमित कैदी व अन्य मरीजों की निगरानी रखी जा सके। उन्होंने बताया कि यहां डॉक्टर भी उपस्थित रहना जरूरी है। साथ ही रेवाड़ी की घटना के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से जिला कोविड केयर सेंटर का दौरा कर हालात का जायजा लेना जरूरी है। उसी के तहत उन्होंने दौरा किया है। इंतजामों से डीसी नूह संतुष्ट दिखाई दिए। आप देख रहे हैं नूह मेवात से, लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी सस्पेक्टेड और पॉजिटिव कैदी हैं उनको यहाँ पर रखा जा रहा है, तो उसका एक बार जायजा लिया है कि मौके पे यहाँ पर हालात कैसे हैं। और समय समय पे हमारी टीम यहाँ पर मौके पे विजिट करती है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हैं, गार्ड भी है। हाल ही में महेंद्रगढ़ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसी के अंतर्गत हमने भी अपनी तरफ से चौकसी बढ़ाई है ताकि कोई भी मुजरिम है या सस्पेक्ट कैदी है वो अपने उसके एक तो सुविधाएँ, साथ ही साथ उसकी जो सुरक्षा उसका कैसा है इस पर भी जायजा लिया। सर, हमारे जैसे ऑक्सीजन बेस्ड बेड्स हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए आज मैं दौरे पे भी हूँ साथ में, तो हमारा पिनगवा और पुनाना दोनों में से किसी भी एक एरिया में हम फाइनलाइज करके उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़वाएंगे और वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी कराएंगे। एक सर, तो हमारी टीम निरंतर जा रही है। अब तो हमने इसमें रैपिड किट टेस्ट भी हमने चालू करवा दी है। लगभग 10,000 किट हमारे को आज अवेलेबल हो गई है। हमारी टीम लगातार इन एरिया में जा रही है जहाँ जहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं और उस पूरे एरिया को हम सैनिटाइज भी करते हैं, वहाँ पर लॉकडाउन भी लगाते हैं 14 दिन का, और फिर उसके अंतर्गत इंस्पेक्शन भी करते हैं, सैम्पलिंग भी करते हैं। तो अभी क्योंकि ICMR की गाइडलाइन अभी आई है, पहले RT-PCR टेस्ट था, अब वहाँ पर हमने रैपिड टेस्ट अलाउ हो गया, तो इसलिए हम वहाँ पर रैपिड टेस्ट का करेंगे ताकि ज़्यादा से रिजल्ट आ सके। लोगों से मैंने भी आज देखा है तो थोड़ा से लोगों में अभी भी जो कोरोना के प्रति ज़्यादा जागरूकता नहीं है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में समझें, क्योंकि कई बार ऐसा केस होता है कि सीधे वो हॉस्पिटल आते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन 50 के आसपास आ जाती है, तो ये ऐसे में बचाना बड़ा मुश्किल होता है।